हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो कि किसी एक सरफेस से पास हो रही है नॉर्मली। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, कौन कौन से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स पढ़ने के बाद हमने तीनों की डेंसिटीज पढ़ी थी। ठीक है, तो डेंसिटीज को हम किस किस से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, या फिर हम एस लिख सकते हैं एरिया को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया था, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। हम कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि गॉसेस लॉ क्या है, वो किसके बारे में हमें बताता है और उसकी एप्लीकेशंस में हम किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गॉसेस लॉ। देखो स्टूडेंट्स, इसके जो साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो इन्होंने ये लॉ दिया था, इस लॉ को देने का क्या पर्पस था, देखो इन्होंने फाई फ्लक्स के बारे में ही बताया था। ठीक है, लेकिन जो फ्लक्स है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि पहले जब हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था वो क्या था, वो ये था कि कोई भी सरफेस है उससे नॉर्मली गुजरने वाली जो भी लाइंस है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। लेकिन इन्होंने एक क्लोज्ड सरफेस की बात की है, वो सरफेस कैसा है, वो क्लोज्ड सरफेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके जो लॉ में है वो यही है, क्लोज्ड सरफेस इन्होंने लिया था। ठीक है, तो मान लो हमने ये एक्स वाई जेड की स्पेस बनाया है, इसमें हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले ली। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस में जो भी इससे पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा, उसको हमने मान लिया कि ये फाई फ्लक्स जो है वो इससे पास हो रहा है। लेकिन ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये डेरिवेशन भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो डेरिवेशन डिराइव करने के बाद में जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, वो क्या था, मान लो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक कितने भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे चार्ज हैं, तो टोटल जो भी चार्ज है इसके अंदर वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये समीशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, या फिर टोटल चार्ज लिख लिया हमने, और यहाँ पे मान लो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट हम किसकी परमिटिविटी मानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि क्या है कि एक क्लोज्ड सरफेस में जितना टोटल चार्ज है और उसकी जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही क्या है, इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपने ये तो समझ लिया कि इसका डायग्राम हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, हमने एक सरफेस लिया है, चार्ज लिया है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, हमने मान लो Q1 से लेके Qn तक के सारे चार्जेस का समीशन कर दिया है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज आ गया सिग्मा क्यू, और परमिटिविटी क्या है फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा, इस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस Closed surface equals one upon epsilon naught
टाइम्स ऑफ वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज. टोटल चार्ज एनक्लोज्ड एनक्लोज्ड टू दैट क्लोज सरफेस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा था पाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी तो दिखाया जा सकता है कि ये जो क्यू है वो किसके मल्टीप्लाई में है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में है. तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये किससे पास हो रहा है, क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है, इक्वल्स वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड टू दैट क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, तो जो भी क्लोज्ड सरफेस था उसके अंदर जितना भी टोटल चार्ज है वो किसके मल्टीप्लाई में है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो ये जो है वो किसके इक्वल होगा, उस क्लोज्ड सरफेस से जितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसके इक्वल होगा. तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बनाकर फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, हम गॉसेस लॉ का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कूलॉम्स लॉ के आधार पर. ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं टॉपिक क्या है, डेरिवेशन of Gauss's law according to Coulomb's law. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर Coulomb's law के आधार पर उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ का डेरिवेशन यहाँ पे निकालेंगे. ठीक है, तो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके लॉ के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस को लेना जरूरी है. तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है कि उस क्लोज्ड सरफेस में कितना टोटल चार्ज है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी ये डिपेंड करेगा. ठीक है, तो हम ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं. कौन सा फॉर्मूला, कि फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम ये फॉर्मूला प्रूफ, हम कूलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे. तो मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर ओ पॉइंट है, O पॉइंट पर चार्ज Q है और यहां पर हमने एक ds एरिया वेक्टर लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है. तो इन तीनों को समझ लिया आपने और इसको हम पहले एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होता है. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, साथ ही हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ का भी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज लिया है और क्यू चार्ज लेने के बाद हमने क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है जिसका सरफेस कितना है, एरिया वेक्टर उसका ds वेक्टर है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिनोट कर रहा है E वेक्टर और दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर दिखाई दिया है. और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये d ओम करके एक अलग से थीटा एंगल लिखा गया है, ये जो थीटा एंगल है वो क्या है, क्यूबिक एंगल कहलाता है. क्या कहलाता है, ये जो है वो एक क्यूबिक एंगल है, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक एंगल. ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक आर वेक्टर लिया है जो कि क्या है, ओपी डिस्टेंस. तो ओपी डिस्टेंस हमने क्या लिया है, आर वेक्टर लिया है. इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली है. अब हमें
किसकी वैल्यू यहाँ पे, किसका फॉर्मूला हमें, हम लोगों को यहाँ डेरिवेशन में सॉल्व करना है, हमें फाइव फ्लक्स निकालना है। तो फाइव फ्लक्स निकालने के लिए फाइव फ्लक्स की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ ली है वो क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फाइव फ्लक्स की तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये हमने मान ली है सेकेंड इक्वेशन। अब अगर फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट का फॉर्मूला जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन पे पुट करें तो फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, देखो ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, फिर डॉट डी एस कर दिया हमने, ds वेक्टर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डॉट हटाया और cos थीटा लिख दिया, तो डॉट हटाकर cos थीटा लिखना है सबसे पहले, तो kq को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि देखो ये जो r कैप है वो किसको डिनोट करता है, वो ओनली डायरेक्शन को शो करता है r कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ds लिख लिया, और ये जो डॉट है उससे क्या आ गया, यहाँ पर cos थीटा आ गया है, kq को हमने बाहर ले लिया है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है इस वैल्यू की, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, अगर हम क्यूबिक एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो क्यूबिक एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल होता है d ओम, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्यूबिक एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, phi इक्वल्स टू kq इंटीग्रेशन ऑफ क्यूबिक एंगल d ओम, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि जो क्यूबिक एंगल होता है d ओम, उसका अगर हम ये इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन होने के बाद में उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 4 पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये नॉन चीजें हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ d ओम इक्वल्स टू 4 पाई है, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, phi equals to k q और 4 pi, ये हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है, इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो सकता है, देखो k को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon naught लिख सकते हैं, देन हमारे पास q है 4 पाई है, तो 4 पाई से अगर 4 पाई कैंसिल हो जाए तो 5 कितना बच रहा है अपने पास, 5 बच रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनके हमारे पास तैयार हो गया है, और इसको एक बार वापस से देख लेते हैं कि क्या है, हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया, क्लोज्ड सरफेस लेने के बाद उसके किसी पॉइंट पर हमने क्यू चार्ज को लोकेटेड किया था, क्यू चार्ज वहां पे सिचुएटेड है, देन हमने एक सरफेस लिया था ds वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमने ले लिया है, वहीं पे ही उसके थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर है, देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो फ्लक्स के फॉर्मूले की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि फाइव फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हम सेकेंड इक्वेशन में ये फॉर्मूला पुट करेंगे, देन हम क्या मिलेगा हमें कि डॉट हटाया हमने cos थीटा आ गया, और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये क्या होती है, हमने डायग्राम में देखा था एक क्यूबिक एंगल, ठीक है, जिसको हम d ओम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये उसी की ही वैल्यू है, d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, d ओम लिख लेंगे, और d ओम इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 पाई होगी। तो 4 पाई से जब 4 पाई कैंसिल हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला बच रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये तो हमने बात की है कि अगर एक कंपोनेंट या फिर एक एरिया वेक्टर के लिए हम 5 फ्लक्स की बात करें तो 5 फ्लक्स कितना आता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, वो पर्टिकुलर एक q चार्ज के लिए है, ये फ्लक्स किसके लिए है, एक क्यू चार्ज के लिए है। अगर हम बात करें कि हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया है, उसमें Q1 से लेके Qn तक हमने चार्जेस लिए हैं, तो सारे चार्जेस के कारण जो फ्लक्स आने वाला है उस फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला तो आ ही गया है, क्या होता है, फाइव फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो हमने मान लिया कि ये हमने क्या लिया है, क्लोज्ड सरफेस लिया है। मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है एंड Qn चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि अगर हम बात करें कि फाई वन कितना है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई टू कितना है Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, फाई थ्री कितना है Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसी तरह से हम फाई एन निकाल लेंगे तो वो Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्लक्स की हमारे पास वैल्यूज आई है उनका हम सम कर देंगे। ठीक है, तो फाई टोटल फ्लक्स कितना हो गया जो इस क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री डॉट डॉट फाई एन। ठीक है, तो अब तो हमने फाई एन के लिए यहाँ पर फ्लक्स निकाल लिया है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। फाई इक्वल्स टू, देखो हमारे पास वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, देन यहाँ पर क्या बचा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, ये हमारे पास वैल्यूज बच रही है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर Q1 से लेके Qn तक हम जो चार्ज है उनको प्लस कर रहे हैं यानी सम कर रहे हैं। सम करने के लिए हम समीशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ Qn डिवाइड में आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हमने ये जो गॉसेस लॉ है उसका डेरिवेशन प्रूव किया। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो बात आती है क्लोज्ड सरफेस की, हमें क्लोज्ड सरफेस लेना है। उसके अंदर जब हमने फर्स्ट जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने लिया था ओनली वन चार्ज लिया था, क्यू चार्ज है, ds एरिया वेक्टर है, e हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो दोनों के लिए जो फ्लक्स की डेफिनेशन होगी वो हमने पहले डेरिवेशन में समझ ली थी। तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई फ्लक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फाई फ्लक्स है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds हम लिख सकते हैं। वहां पर जो ई फॉर्मूला है, ई के लिए हमने क्या लिखा है, KQ अपॉन r² r कैप लिख दिया। देन हमने क्या किया कि जो ds cos थीटा अपॉन r² है उसको हमने क्यूबिक एंगल से डिनोट किया है, और क्यूबिक एंगल का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो उसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 4π आती है। देन हमने डेरिवेशन से सॉल्व करके फाई फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना निकाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगर वही फॉर्मूला हम इस क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई करें जिस पर बहुत ज्यादा चार्जेस है, अब वो बहुत ज्यादा चार्जेस कितने हैं, Q1 से लेके Qn तक सभी चार्जेस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, टोटल चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, उनका सम हो जाएगा, सम होके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ये फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन हम अगर करना चाहें तो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं जो कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम किस पर बेस ले रहे हैं, हम एक लाइन चार्ज के बेस पे ले रहे हैं। तो लाइन चार्ज क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लाइन पर तो उस लाइन के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लो हमने एक वायर लिया है, ठीक है, तो उस वायर को हमें चार्ज करना है। अब वो किससे हम चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली उसको चार्ज कर सकते हैं, देन वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पर निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसेस लॉ को ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि गॉसेस लॉ जो है वो तो किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से इसके बेस से हम कैसे इसके एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, वो भी उस एप्लीकेशन में हमें क्या डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना है। तो हम देखो कैसे उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो फाई फ्लक्स होता है वो इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डीएस एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी एक सरफेस से पास होती है नॉर्मली, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। देन हमने गॉसस लॉ के अकॉर्डिंग फाई क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फिर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों से हम क्या समझते हैं, ये दोनों इक्वेशन इसको डिनोट करती है, पाई को डिनोट करती है। अगर दोनों ही पाई के इक्वल है तो इनकी ये जो टर्म्स है दोनों इक्वल होंगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहाँ पर गॉसस लॉ भी है, ये Q upon epsilon naught क्या है, ये गॉसस लॉ है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस फॉर्मूले से मिल जाती है। मतलब हमें करना क्या है कि जो फाई की डेफिनेशन थी और जो गॉसस लॉ था उन दोनों को मिक्स करके जो फॉर्मूला हमारे पास आया है इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है गॉसस की जितनी भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उन पर, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन किस पर बेस्ड है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम, तो सबसे पहले लाइन चार्ज की हम बात कर रहे हैं और उसी पर बेस्ड हमारी ये एप्लीकेशन है। कौन सी है कि अगर हम एक कोई वायर लेते हैं उस पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या है, उस लाइन पर उस वायर पर उसकी लेंथ पर चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और उस एप्लीकेशन में एक जगह कहीं ना कहीं हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी यूज होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें ध्यान में रखना है। क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, एल किसको डिनोट कर रहा है, उस वायर की लेंथ को डिनोट कर रहा है, क्यू किसको डिनोट कर रहा है, उस वायर पर जितना चार्ज है उसको डिनोट करेगा, और लैम्डा क्या है, लैम्डा उस वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दो फॉर्मूलाज इसमें काम आने वाले हैं, एक तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है इन दो फॉर्मूले से, और एक हमें ध्यान रखना है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। अब ये दो फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला तो सारी एप्लीकेशन में यूज होने वाला है। सेकंड हमें देखना है कि एप्लीकेशन जो है वो किस पर बेस्ड है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड है या फिर सरफेस पर या फिर किसी स्फीयर पर, स्फीयर का मतलब क्या है, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। डेरिवेशन जस्ट आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो वो दिमाग में आना चाहिए, देन हम उसके डायग्राम पर आएंगे और डेरिवेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इसका टॉपिक लिख लेते हैं, हम क्या डिराइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। अब देखो स्टूडेंट ये एक बड़ा डेरिवेशन है और एग्जाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉसस लॉ, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, गॉसस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो इसके पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी था, हमें ये पढ़ना जरूरी था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉसस लॉ ने कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया था, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, और उसकी दोनों को ही मिला के हमने एक फॉर्मूला निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसकी एप्लीकेशन में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया, तो ये दोनों टॉपिक स्टार्टिंग में जरूरी टॉपिक थे जो कि आगे काम आने वाले हैं गॉसस लॉ की एप्लीकेशन में। तो अब हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, लाइन चार्ज है, ठीक है। तो लाइन चार्ज के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं, ठीक है। अब वो जो वायर है वो हम चलो डेरिवेशन में ले लेंगे, लेकिन इस डेरिवेशन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है,
डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना है। इसका मतलब क्या है, देखो ये कंप्लीट जो डेरिवेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमें ओनली क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है कि जो भी हमने वायर लिया है उसके वो परपेंडिकुलर जाती है या फिर उसके पैरेलल जाती है, तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, वो डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। सेकंड, जब डायरेक्शन पता लग जाएगी उसके बाद में हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है उस लाइन चार्ज के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम लिख लेते हैं, क्या डिराइव करना है हमें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे। अब वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो वायर हम ले रहे हैं वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास फाइनाइट नहीं है, हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर बना रहे हैं इसको ऊपर से हम डॉट डॉट करके बनाएंगे और नीचे से भी हम इसको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, ये लेंथ, अगर हम कोई लेंथ बनाते हैं, मान लो हमने इतनी लेंथ बनाई, तो ये जो लेंथ है वो हमारे पास फाइनाइट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए देखो इसके ऊपर इस तरह डॉट डॉट करके इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, ये लेंथ और भी ज्यादा आगे तक है। इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना रहे हैं ओनली डायरेक्शन के लिए। तो यहां पर देखो हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया है या फिर लाइन वायर लिया है, इस पर हम चार्ज को ड्रॉ करेंगे किस तरह से। मान लो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो ये जो वायर है पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया है ओ, और इस ओ से आर डिस्टेंस पर, मान लो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम है सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए हमने ऊपर और नीचे से हमने क्या किया है, ये डैश डैश करके इसको छोड़ दिया है, ताकि ये क्या डिनोट कर सके कि ये जो लाइन है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक मिड पॉइंट लिया है ओ, ओ से हमने आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट पर हमें कंप्लीट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लो इसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक तो हमने लिया है A1 एक एलिमेंट ले लिया है, और इतनी ही डिस्टेंस पर डाउनवर्ड हम क्या लेंगे, A2 एक दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि मिड पॉइंट के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमने सेम डिस्टेंस पर जितनी ऊपर डिस्टेंस रखी है O पॉइंट से, उतनी ही नीचे डिस्टेंस रखनी है O पॉइंट से। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, और उन डिस्टेंस पर हमने A1 एंड A2 दो एलिमेंट्स लिए हैं, यानी हमने दो अल्पांश लिए हैं इस पूरी लेंथ के लिए। क्लियर, तो इस पूरी लेंथ पर हमने दो अल्पांश ले लिए हैं, इन दोनों के कारण सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। ठीक है, तो उस डाइपोल का हमने मिड पॉइंट लिया था ओ, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसका मिड पॉइंट ओ ले रहे हैं।
मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर वहां पे एक्सियल एंड इक्विटोरियल लाइन पर हमने क्या लिया था, पी पॉइंट लिया था। उन पी पॉइंट पर कंप्लीट डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, फिर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव की, देन हमने उन दोनों को प्लस करके कंप्लीट डाइपोल के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। सेम हमें क्या करना है कि यहाँ हमने जो वायर लिया है उस पर दो एलिमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओ पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हमने लिए हैं ए वन एंड ए टू। दोनों के कारण, दोनों क्योंकि एलिमेंट है, कंपोनेंट है या फिर अल्पांश कह सकते हैं, तो दोनों के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली हमें डायरेक्शन पता करनी है। इस डायरेक्शन, इस डायग्राम से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कर। तो देखो स्टूडेंट्स, ए वन के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मान ली डी ई वेक्टर है, और ए टू के कारण सेम हमने पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानी है वो कितनी है, वो भी डी ई वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डी ई क्यों लिख रहे हैं, देखो जब हम डाइपोल की बात कर रहे थे तो अलग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज थे, वहां पर हम E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे थे क्योंकि वहां पर वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो थे वो कोई एलिमेंट नहीं थे, वो कोई एलिमेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पर A1 A2 क्या है, इस पूरी लेंथ पर, मान लो यहाँ से थोड़ी सी मैंने लेंथ ले ली तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका अल्प अंश या फिर अल्पांश कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो उस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, वो भी उसके कंपैरिजन में कम होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, डीई वेक्टर, डीई वेक्टर लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देखो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, जीरो डिग्री का एंगल होता है, और जितनी भी लाइंस होती हैं उन सबके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन लाइंस, तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है। अब किसी एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डायरेक्शन बनाना चाहेंगे। तो एक डायरेक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, एक डायरेक्शन बनाने के लिए हम इसको कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो सकते हैं और वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। तो हम इसको अगर डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये मान लो ये थीटा एंगल्स है, तो यहाँ पर मान लो कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आते हैं वो डी ई कॉस अल्फा आते हैं, दोनों अल्पांश या फिर एलिमेंट के कारण, और यहाँ बात होती है साइन अल्फा की, तो डी ई साइन अल्फा, और यहाँ भी लिख देंगे हम डी ई साइन अल्फा। तो देखो स्टूडेंट्स, बात हमारे क्लियर है कि हमने एक इनफाइनाइट वायर लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉइंट मिड पॉइंट जो लिया है वो कितना है, ओ पॉइंट है, ओ से आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट लिया है जिस पर कंप्लीट वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं उन दोनों एलिमेंट्स के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करने के बाद हमें मैग्नीट्यूड इसका सेम मिलता है, डी ई वेक्टर एंड डी ई वेक्टर। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जो चीज आती है वह यहाँ पर, वो क्या हो जाती है कि दोनों ही एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट हो जाती है यहाँ पर। तो इंटरसेक्ट से बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक डायरेक्शन हमें
निकालनी है और एक डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास मिलते हैं डीई कॉस अल्फा दोनों एलिमेंट्स के कारण, और यहाँ पर क्या मिलते हैं डीई साइन अल्फा एंड डीई साइन अल्फा। अब देखो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ही मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम। डीई कॉस अल्फा मैग्नीट्यूड तो सेम दिख ही रहा है, साथ साथ ये डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, डीई साइन अल्फा एंड डीई साइन अल्फा मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलता है वो कौन सा वेक्टर मिलता है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर मिल जाने के कारण हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, पर्टिकुलर हम एक डायरेक्शन पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो डायरेक्शन कैसी है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है, ये इस वायर के परपेंडिकुलर है। मान लो ये वायर हमने लिया है जो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से प्राप्त होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से प्राप्त होती है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होने के कारण एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर एक फाइनल डायरेक्शन हमारे पास मिलती है जो कि क्या है, इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें मिल जाती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने समझा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है किसी एक इनफाइनाइट वायर के लिए वो कितनी आती है, क्या डायरेक्शन होती है, उस वायर के परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात खत्म होती है जो हमने टू पार्ट्स डिवाइड किए थे इस डेरिवेशन के। तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, कौन सा है वो फर्स्ट पार्ट, कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस वायर के लिए डायरेक्शन निकालनी है, वो डायरेक्शन इस वायर के परपेंडिकुलर हमें मिलती। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और गॉसेस जो लॉ है वो किस पर बेस्ड है, वो एक क्लोज्ड सरफेस की बात करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो किसकी बात करता है, एक क्लोज्ड सरफेस की बात करता है। अब हम यहाँ पर जो वायर ले रहे हैं उसको हमें क्लोज्ड सरफेस में एनक्लोज करना है, देन हमें क्या करना है उस वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो नेक्स्ट हम डेरिवेशन पर पहुंचते हैं जो कि इस डेरिवेशन का सेकेंड पार्ट है। तो अब चलते हैं हम सेकंड इसके पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सेम हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन चार्ज लिया था, जो वायर लिया था जिसे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है उसको हम ड्रॉप कर लेंगे और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, उसको एक सिलेंड्रिकल सरफेस में क्लोज करने वाले हैं। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है और हमने वायर को इसमें क्लोज कर दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, इस वायर को इसमें क्लोज करने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे वही मिड पॉइंट O और ये R डिस्टेंस है, P पॉइंट हमने ले लिया है और साथ ही हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को तीन पार्ट्स में हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या रहेगा, सबसे पहले हम लेंगे इसमें अपर सर्क्यूलर सरफेस। सेकंड हम लेंगे इसके लिए लोअर सर्क्यूलर सरफेस और थर्ड हम लेंगे कर्व सरफेस। तो देखो इसमें हमें क्या करना है,
तीन एलिमेंट्स लेने हैं, और वो तीन एलिमेंट्स हमें कहाँ कहाँ लेने हैं, इस सर्क्यूलर ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? ये जो ऊपर वाला हमें अपर सर्क्यूलर सरफेस दिख रहा है फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट कौन सा है? लोअर सर्क्यूलर सरफेस, और थर्ड पार्ट कौन सा है? कर्व सरफेस। तो ये जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है और ये जो है वो यहाँ से कर्व हो रहा है, तो कर्व हमें मान लो कि यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, तो तीन जगह हमें एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले तो इन तीन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। वो हमने फर्स्ट डायग्राम से देख ही ली थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आती है वो क्या कहाँ आती है, इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो मान लो हमने तीन पॉइंट्स लिए हैं, ये अपर सरफेस पे, ये लोअर सरफेस पे और ये कर्व सरफेस पे, तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, लोअर सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है और जो अपर सर्कुलर सरफेस है उस पर हमने क्या लेना है, एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो उन एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो हम ड्रॉ कर रहे हैं ds1, ये हो गया ds2 एंड ये हो गया ds3। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स इस तरह से लिए हैं हमने कि ये पूरे के पूरे जो भी सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको कवर कर पाए। तो हमने क्या मान लिया, हमने तीन एलिमेंट्स इस तरह से लिए हैं, जैसे ds1 अपवर्ड साइड है, ds2 जो है वो डाउनवर्ड साइड है, और एक जो हमने एलिमेंट लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 90 डिग्री पर मिले हैं और एक एलिमेंट हमें मिला है 0 डिग्री एंगल पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी है। तो गॉसेस लॉ हमें क्या बोलता है कि फाई इक्वल होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये तो उन्होंने फाई की डेफिनेशन दी थी, इसको लिख लेते हैं। फाई क्या होता है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक हम फाई की डेफिनेशन से क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इन दोनों को जब हम इंक्लूड करें तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही जो थर्ड फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है उस पर हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ ही गया है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज क्या है कि इसके सेकंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है, तो फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाने के लिए हमने इन दोनों फॉर्मूले को इंक्लूड करके क्या बनाया है, ये थर्ड फॉर्मूला बना लिया है जिसमें गॉसेस लॉ भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ रही है। अब हम ये वाली जो इक्वेशन है वो इन तीनों पर हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, तीनों एलिमेंट्स को हमें इस ये जो इक्वेशन है उसमें ऐड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक लाइन चार्ज लिया है और इसको सिलेंड्रिकल सरफेस में हमने एनक्लोज्ड किया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ओ इसका मिड पॉइंट है, आर डिस्टेंस पी ए पॉइंट है जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया है ds1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एक ds3 यहाँ एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ds2 एक एलिमेंट है जो कि फिर से
90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, S1 के लिए E डॉट ds प्लस S2 के लिए E डॉट ds लिखना है प्लस S3 के लिए E डॉट ds लिखना है, इक्वल करना है सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने जो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q upon epsilon naught जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को हमने तीनों एलिमेंट्स पर इंक्लूड कर दिया है, तीनों एलिमेंट्स के साथ इसको प्लस कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से डॉट हटाएंगे cos थीटा आएगा, यहाँ से डॉट हटाएंगे cos थीटा आएगा, यहाँ से डॉट हटाएंगे cos थीटा आएगा, लेकिन थीटा एंगल जो है वो वेरी करेगा किस पर, कि इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले S1 की बात कर लेते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई 0। प्लस अगर हम S2 की बात करें तो ds2 ये जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ फिर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 90 की वैल्यू इस बार भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्लस करके ये कंप्लीट टर्म भी 0 हो गई। फिर प्लस करेंगे हम S3 के लिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो थर्ड एलिमेंट है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन E ds लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो डॉट हटाया हमने cos थीटा आ गया था, थीटा हमने 0 डिग्री लिखा है, cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो डॉट तो पहले ही हट गया था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन E ds लिख दिया है। इक्वल में हम क्या लिख रहे हैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया E ds इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये जो एलिमेंट था स्टूडेंट्स ये S3 के लिए था, अब S3 क्या है, यहाँ पर हमने इस पूरे ये जो भी था सिलेंड्रिकल सरफेस था इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, अपर सर्कुलर सरफेस, सेकंड जो पार्ट था वो क्या था, लोअर सर्कुलर सरफेस, एंड थर्ड जो पार्ट था वो क्या था, कर्व सरफेस। तो ये जो कर्व सरफेस है इसी पर हमने थर्ड वाला एलिमेंट लिया है। तो अब बात करते हैं किसकी, ds की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे ds पर और यहाँ हम लिख देंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब बात करनी है हमें इस ds एलिमेंट की, तो इस ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है जो कि कर्व सरफेस पर है, तो कर्व सरफेस के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो उसके लिए जो हमारे पास एरिया आता है वो कितना आता है, 2πRh आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूलाज। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 2πR तो लिख देंगे, लेकिन h जो आ रहा है वो हाइट को डिनोट करता है, और यहाँ पर हम हाइट के रूप में क्या ले रहे हैं, इस वायर की लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ds equals to 2πRL लिख लेंगे, h की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो अब क्या करना है, E 2πRL हम लिख लेते हैं और Q, अब देखो स्टूडेंट्स मैंने बात की थी कि क्योंकि हम यहाँ पर एक वायर ले रहे हैं और वायर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हम एक वायर ले रहे हैं और वायर पर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोल देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे जो डेंसिटी काम आएगी वो कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, वो कितनी होती है, क्यू अपॉन एल होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू है, तो इस q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया लैम्डा एल डिवाइड किया एप्सिलॉन नॉट से, तो देखो स्टूडेंट्स एल से एल कैंसिल आउट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बचती है, ये यहाँ पे लैम्डा हमने लिख लिया है 2πR, यहाँ डिवाइड में आता है और एप्सिलॉन नॉट,
तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट हमें ये मिल गया है, कौन सा है, E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, हमने क्या किया है, हमने देखो स्टूडेंट्स एक इनफाइनाइट वायर लिया है, उस पर दो पार्ट्स में हम डेरिवेशन कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्शन इसकी डिनोट की थी, डायरेक्शन जो है वो हमने डिराइव की थी. तो डायरेक्शन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने दो एलिमेंट्स लिए थे A1 एंड A2. A1 A2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आता है, लेकिन डायरेक्शन दो हो जाती है. दो अलग अलग डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में सेम होने के कारण ऐड हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देते हैं, जो कि कौन सी मिलती है, जो वायर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलती है. उसी के बेस पर नेक्स्ट हमने जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं तीन पार्ट्स में. एक तो अपर सर्कुलर सरफेस में हमने S1 एलिमेंट लिया है, एक लोअर सर्कुलर सरफेस में हमने S2 एलिमेंट लिया है और एक कर्व सरफेस में हमने S3 एलिमेंट लिया है. तीनों पे हमने गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया. दो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे. तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ ही कोस 90 डिग्री हो जाती है जीरो, तो दोनों टर्म्स यहाँ पर हो गए जीरो. अब ई डॉट डीएस बच रहा है, ई डीएस बच रहा है, और ds इंटीग्रेशन अगर हम करें तो एरिया जो है वो कर्व सरफेस के लिए कितना आता है, 2 पाई r h आता है. h हमने यहाँ पर लेंथ ली है तो 2 पाई r l यहाँ पर लिख लेंगे और l से r कैंसिल होगी, ये फॉर्मूला बचा है. तो इस फॉर्मूले को भी हम और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से और डिवाइड कर दें 2 से, तो देखो स्टूडेंट ये 2 एंड 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा. तो अब दिमाग में क्या आ रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने अलग से लिख लिया है, 2 लैम्डा हमने लिख लिया है यहाँ पर, और डिवाइड में एक और क्या आ रहा है यहाँ पर, r आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी अगर बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये k होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, जो कि कूलॉम्स लॉ में हमने सबसे पहले इसको देखा था. कूलॉम्स लॉ का ये क्या है, कांस्टेंट है. तो इसको क्या लिख लेंगे हम, ये 2 लिख लेंगे, इसके लिए हम k लिख लेंगे, लैम्डा लिख लेंगे अपॉन r लिख लेंगे. तो 2k लैम्डा अपॉन r, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमें इंटेंसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. अगर इसे वेक्टर पोजीशन में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, r कैप लगा देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो किसी लाइन चार्ज के लिए जो कि इनफाइनाइट वायर हमने लिया है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आती है वायर के परपेंडिकुलर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कितना आता है, 2k लैम्डा अपॉन r. अब अगर आपको कहा जाए कि एक लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो स्मॉल r पर कैसे डिपेंड करती है, उसका आप ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर हमने r लिया है. अब अगर एक की वैल्यू कम होती है तो दूसरे की वैल्यू ज्यादा होती है, दूसरे की वैल्यू अगर कम होती है तो पहले की वैल्यू ज्यादा होती है. तो इसलिए ये इस तरह से कर्व फॉर्म में जाएगा. तो ये ग्राफ हो जाता है E एंड R के लिए. तो अगर R की वैल्यू हम कम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कम करें तो R की वैल्यू ज्यादा होती है. तो इसलिए कर्व फॉर्म में इसका ग्राफ बन जाएगा. तो स्टूडेंट आज हम बात कर चुके हैं कि गॉसेस लॉ क्या है, इसको हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया है. किसने दिया था ये, इसका साइंटिस्ट नेम जो है वो क्या है, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये कम्प्लीट इसका नाम है. और इसने ये लॉ दिया था, किस पर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है. क्या है इसका फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है. देन हमने
कुलॉम्स लॉ से इसको डिराइव किया था कंप्लीटली, वो डेरिवेशन आप लिख लेना इस वीडियो से ही। और इसके बाद में हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस पर आए। तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में गॉसेस लॉ हमें इंक्लूड करना है और साथ ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या करना है, जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें इंक्लूड करके डेरिवेशन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि लाइन के परपेंडिकुलर है। और सेकंड हमने क्या किया कि गॉसेस लॉ का एक कंपल्सरी कंडीशन होती है कि जो भी हम सरफेस ले रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो हमने इस वायर को सिलेंड्रिकल सरफेस में क्लोज किया, तीन एलिमेंट्स हमने लिए, तीनों एलिमेंट्स पर जब हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के बाद दो एलिमेंट्स की जो टर्म है वो जीरो हो गई, एक एलिमेंट की टर्म बच रही है। और यहाँ पर ds 2 pi r l लिख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो एक ऐसा ये फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन अगर टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड में हमें क्या मिलता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ये वैल्यू हो जाती है k की, तो 2k लैम्डा अपॉन r हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। अब अगर बात करें कि e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r पे किस तरह से डिपेंड करती है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से कर्व फॉर्म में डायग्राम बन जाएगा। एक की वैल्यू कम होती है तो दूसरे की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम आज एक एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन आने वाली हैं। और आप इससे पहले जितने भी डेरिवेशन ये हो चुके हैं, गॉसेस लॉ का डेरिवेशन है और इस एप्लीकेशन का डेरिवेशन, ये अच्छे से समझिए, इसको प्रिपेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।